ये रोड ऐसा है गाइस कि यहाँ पे कार चलाते वक्त या फिर बाइक चलाते वक्त कोई भी नाच देता है। हाँ मॉम, मैं नाच रही हूँ क्या? ना नाच रही हो तुम गालियाँ देते हुए क्योंकि ये रोड है ही इतना बढ़िया कि यहाँ पे कहीं से भी लोग आ जाते हैं। ये देखिए सामने से, राइट से, लेफ्ट से। चलने वाले क्या कर रहे हैं? मेरे आगे रुक के ठहरो, थोड़ा हम जाते हैं। अरे हाँ भाई आगे चलो, हाथ करते हैं। अरे ये ऊपर से ही है, अलग अलग टाइप के गड्ढे पेशेंस आए होते हैं लेकिन हर कोई नाचता है इधर इन रोड से गाड़ी चलाते। ये एक चौक है, यहाँ पे आप बिना गाली दिए नहीं जा सकते। ये देख ऐसे देख मैंने कहा था इस रोड पे इतना कुछ नहीं है, आगे जाके फिर एक चौक लगता है वहाँ पे भी। ये शांति रोड है, शांति। ये शांति है यहाँ पे, शांति रोड। हाँ ये दोनों तरफ से पेड़ है, ये बंगलोज है, यहाँ पे थोड़ी शांति है लेकिन इसके आगे एक चौक है वहाँ पे भी 100% आदमी गालियाँ देता है। ये राइट से, लेफ्ट से, ये देख ये हर बार का है, ये हर सामने से तीनों तरफ से आते हैं। ये कौन सी बाइक लेके जा रहे हैं अंकल? ये बंद हो गए ना अभी? अभी बंद हो, बहुत पुरानी है ये। ये सिग्नल ऐसा है कि यहाँ पे लोग छाव ढूंढ के रुकते हैं। देखिए पेड़ों का इम्पोर्टेंस कितना है। हाँ। लोग धूप के एरिया छोड़ के छाव के एरिया में खड़े रहते हैं यहाँ पे। इस रोड पे भी अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ के घर गिरा दिए ये सारे कुछ महीनों पहले, लेकिन यहाँ पे रास्ता भी कर देते ना तो अच्छा हो जाता है ना। हाँ। ये अगर कच्चा रास्ता रखा है ये पूरा। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग गाइस, अभी दगड़ूशेठ गणपति मंदिर के लिए जा रहे हैं और इसी के लिए यहाँ पे आए थे। ये कौन सा रास्ता है वहाँ पर जाने के लिए मुझे पता नहीं है। ये मॉम का रास्ता है किसी शॉर्टकट का, वो पूरा घूम के मेन चौक से जाने के बजाय यहाँ से जाएंगे। यहीं कहीं से हमने सनग्लासेस लिए थे। हाँ, अच्छा, वो अलंकार्स अगर यहीं से लेते हैं हम। लाइन पूरी खुली है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, फटाफट दर्शन लेके आते हैं। पहली बार इस लाइन से हम जा रहे हैं वहाँ पे, है ना? वरना दर्शन बाहर से ही लिया था गाइस, अभी तक यहाँ से दर्शन कभी लिया नहीं, और पहली बार इतनी खुली लाइन में, और आज मंगलवार भी है। दर्शन तो अभी हो चुका है, मतलब बहुत बढ़िया दर्शन हुआ, मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा दर्शन। गर्मी लेकिन हद से ज़्यादा गर्मी है। मतलब एक्चुअली एक्सपेक्टेड तो था अभी कि बारिश आ जाए, लेकिन नहीं, सुबह कितना क्लाउडी था लेकिन जैसे हम निकले वैसे ही धूप आ गई। यहाँ से हमको एक बुक भी लेनी है वैसे, तो पहले बुक लेते हैं उसके बाद कुछ तो पेट पूजा का देखेंगे, है ना? ये यहाँ पे पूरा है बुक्स का मार्केट, बुक्स, नोटबुक्स सारी यहाँ पे मिलती है। ये होल पूरी लाइन उसी की आई। वो बुक तो हमने ले लिया, वो तो खैर उनके पास था नहीं, उन्होंने ला के दिया, उसको बहुत वक्त लगा। तो अभी यहाँ से कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। वैसे गर्मी से मुझे याद आया, इस बार हमको कॉलेज को दी थी छुट्टियाँ गर्मी की 19th of June तक। वो नोटिस पहले आई ग्रुप पे कॉलेज के, टीचर ने एक हमारे भेजे, वो देख के खुश हो गए हम कि छुट्टियाँ शुरू हो गई है, वो करके प्लान्स बनाए कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे ऐसे, और 2-3 दिनों बाद एग्जाम्स की नोटिस आ गई। लिटरली मई महीने के, मतलब गर्मी के छुट्टियों में हमारी एग्जाम्स भी है, वो भी फाइनल एग्जाम, और 19th of June तक हमको एग्जाम्स की नोटिस थी, लेकिन 19th of June को हमारा लास्ट पेपर हो गया। पूरी एग्जाम छुट्टियों में दी, और अभी एग्जाम्स हो जाने के बाद हमको छुट्टी मिल रही है जून महीने में। फाइनली हमारे समोसे आ चुके हैं,
हम गरम समोसों के लिए आधा घंटा रुके थे, लेकिन अब यह ठंडा होने के लिए हम आधा घंटा रुके हैं। मिशन पास्ट, इससे अच्छा तो ठंडा ही ले लेते। अब माम मुझे वो डिकोड करके बता रही है कि इसको कैसे खाना है। साइड से यहाँ पे रुके हैं अभी थोड़ा सा चाय पीने के लिए इतनी गर्मी में, ये भी माम का ही कहना है। अब चाय भी माम को गर्म ही चाहिए। समोसे के बाद चाय तो जमती है। चाय तो बहुत बढ़िया थी, मन तो कर रहा था कि एक एक और ले लें, लेकिन नहीं, गर्मी में कंट्रोल करना ही अच्छा है। मैं ज़्यादा चाय, मतलब मुझे तो चाय ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, यहाँ की अच्छी थी वो तो बात अलग। एक मुझे बात, चाय वाय तो ठीक है, ये खाने की चीज़ें भी ठीक है, लेकिन मुझे उस बंदे की कमाल लगती है जिसने पानी को पैक करके बेचा है ना। हाँ। मतलब पानी ऐसी चीज़ है कि सब जगह मिलती है। हाँ। वो भी फ्री में मिलती है, लेकिन फिर भी उस एक बंदे ने ऐसा दिमाग लगाया कि पानी उसने बॉटल में पैक करके बेच दिया, और अभी सारी जगहों पे लोग पानी ऐसे फ्री में पीते ही नहीं, वो बाय करके ही पीते हैं। बिजनेस का दिमाग हो तो ऐसा हो। एनीवे तो अभी चलते हैं, यहीं पे पार्किंग है ना, यहाँ पे पार्क किया, चलते हैं घर अभी यार। क्या बढ़िया वेदर हो रखा है, अभी इसमें बारिश आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। रीच्ड होम गाइस, बारिश का माहौल बहुत बढ़िया हो रखा है। अभी एडिटिंग खत्म कर दिया मैंने। आजकल ना ऐसे ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होने लगी है, और मतलब बारिश भी आने वाली ही है। मतलब ऐसा बीच का जो माहौल होता है ना, वैसा हो रखा है। अभी आपके यहाँ कैसा वेदर हो रखा है मुझे बताइए कमेंट्स में। आज तो ह्यूमिडिटी ना कतई पीक पे जा चुकी थी, पूरे बादल छा चुके हैं अभी। लेकिन इसका ना फायदा भी है एक्चुअली, कि जब भी बारिश आ जाएगी ना, तब सभी जगहों पे ऐसा ना ठंडा हो जाएगा और बहुत राहत मिल जाएगी, क्योंकि इतनी इंटेंस गर्मी थी इस समय इस साल कि कुछ पूछो मत। और अगर अचानक से एकदम बारिश शुरू हो गई तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। आगे बहुत सारे ब्लॉग्स प्लान है, कुछ रिव्यूज़ डालने हैं इस चैनल पे, वो जल्दी आने वाले हैं, उसका प्लानिंग बहुत चालू है। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।